प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्रीमती साजदा अहमद। साजदा अहमद मंत्री जी रेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। प्रश्न संख्या 22 श्रीमती सुनीता दुग्गल। एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज मान्य सदस्यगण। नहीं मान्य सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? माननीय सदस्यगण, सभी मान्य सांसद चाहते हैं सदन चले, क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से? ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र संहार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए और गंभीर नहीं है, और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते आप, आदिवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो? सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।